दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। आज मैं लेकर के आई हूँ एक ऐसा टॉपिक जो आज ट्विटर पे काफ़ी ट्रेंड कर रहा है, जिसे हम एक्स प्लेटफॉर्म कहते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है एक्स, और वहाँ पर तमाम अलग अलग लोग जुड़े हुए हैं। वहाँ पर यूँ कह सकते हैं राजनेता भी है, तो फिल्मों से भी है, तो अलग अलग लोग, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और आम लोग भी हैं। तो एक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कोई भी अपनी राय बहुत ही बेबाकी के साथ रखते हैं। कई बार मीम्स भी ट्रेंड होते हैं, कई बार सरकारों से डायरेक्ट सवाल वहाँ पर पूछे जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा। वहाँ पे आपको प्रधानमंत्री भी मिलेंगे, राष्ट्रपति भी मिलेंगे, वहाँ पे आपको पीएमओ, सीएमओ, पुलिस, हर कोई, फिल्म अभिनेता, डायरेक्टर, कोई भी आम इंसान भी आपको वहाँ पर मिलेंगे। तो आप अपने सवाल वहाँ पर पूछ सकते हैं। अब बात आज ये है कि आज एक्स पर ट्रेंड कर रहा है बैल बुद्धि। जी हाँ, बैल बुद्धि आज वहाँ पर आम लोगों द्वारा, या यूँ कहें कि अगर बिल्कुल पर्टिकुलर बात की जाए, तो वो ट्रेंड करवाया जा रहा है, और वो करवाया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा, कांग्रेस आईटी सेल के द्वारा। क्यों ऐसा है, क्या इसके पीछे कारण है, और क्या इसके फ़ायदे नुकसान या क्या है, इस पर आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों आप जानते हैं कि अभी जो चुनाव के बाद में पहली बार सदन चला, उसके अंदर जब राहुल गांधी ने नेता प्रतिपक्ष के तौर पर एक अपनी स्पीच दी, कई सवाल उन्होंने उठाए सरकार के, राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान जो उन्होंने सारे सवाल जिस तरीके से उठाए, बहुत मजबूती से उन्होंने अपनी बात रखी, और वहाँ पर उन्होंने हिंदुओं को लेकर के जो पूरा एक स्पीच दिया था, और जिसके अंदर उन्होंने काउंटर किया था कि नरेंद्र मोदी पूरा हिंदू समाज नहीं है, भाजपा पूरा हिंदू समाज नहीं है, और आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है, इस तरह की कुछ बात उन्होंने, राहुल गांधी ने वहाँ पे कही थी। अब देखिए दोस्तों, ये क्योंकि ऐसा हम जानते हैं कि भाजपा हिंदुत्व के मुद्दों को बहुत स्ट्रांगली हमेशा से लेते आई है, और हिंदुत्व के मुद्दों पर ही चुनाव लड़ते हुए आई है, तो जाहिर सी बात है कि जब राहुल गांधी ने उनका फेवरेट मुद्दा वहाँ पर छेड़ दिया था, तो उसको काउंटर बैक करना ज़रूरी था। और इसको लेकर के जो सत्ता पक्ष के जो लोग थे, उन्होंने तुरंत इस पर अपनी नाराज़गी जाहिर की। और सबसे बड़ी बात कि प्रधानमंत्री मोदी खुद ने दो बार या तीन बार उठकर इस पर अपना विरोध जताया, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा वहाँ पर बना दिया गया। और उसके बाद आप जानते हैं कि बीजेपी आईटी सेल जिस तरीके से काम करती है, 2014 के बाद से आप समझ गए होंगे कि भाजपा जो है अपने आईटी सेल को लेकर के बड़ी स्ट्रांग तरीके से हमेशा सामने आती रही है, और आईटी सेल ने कहाँ से कहाँ उनको पहुँचाया है, इस बात से भी हमें इत्तेफाक रखना होगा, हमें मानना पड़ेगा। तो दोस्तों हुआ ऐसा कि प्रधानमंत्री ने फिर जब उनका बोलने का टर्न आया, तो उन्होंने राहुल गांधी को, पता नहीं एक तो नाम क्यों नहीं लेते हैं वो, इस बात का जवाब नहीं है, पूरे 10 साल पिछले जो थे उसमें उन्होंने राहुल गांधी को पप्पू साबित करने की बहुत कोशिश की, और ये जो पप्पूकरण है राहुल गांधी का, वो उन्होंने खुद जो है इस छवि के निर्माण में, हालांकि बीजेपी ने बहुत मेहनत की, लेकिन राहुल गांधी ने जो यात्रा निकाली, उस यात्रा से और जिस तरीके से उन्होंने लोगों से बात की, लोगों से जुड़े मुद्दे उन्होंने उठाए, इससे कहीं ना कहीं वो छवि तोड़कर वो बाहर निकलने में काफ़ी हद तक सफल भी हुए। तो दोस्तों हुआ ये कि प्रधानमंत्री मोदी ने कभी भी राहुल गांधी को उनके नाम से नहीं बताया, और आज नेता प्रतिपक्ष के तौर पर वो सामने खड़े हैं, तब भी वो नाम नहीं लेते। पूरे स्पीच में, पूरी कार्यवाही, सदन की कार्यवाही के दौरान वो शहजादा शहजादा करते रहे, और बाद में उन्होंने एक नया नाम यहाँ पर इजाद किया और कहा कि ये बालक बुद्धि है। तो इस पर, इसको लेकर के भी कई सारे जो थे सवाल वहाँ खड़े हुए कि क्या इससे बालकों, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनके आईक्यू को लेकर के प्रधानमंत्री जो हैं वो इस तरह की बात कर सकते हैं, क्या बच्चे जो अपनी बात करते हैं, जो बालक बुद्धि जिस वर्ड का यूज़ किया, तो क्या बालकों की बुद्धि के ऊपर प्रधानमंत्री जी इस तरीके का कटाक्ष कर रहे हैं। हालांकि सब जानते हैं कि राहुल गांधी को
कहीं ना कहीं कमतर करने की ये कोशिश उनकी थी। और जिस तरीके से फिर बालक बुद्धि अलग अलग जो भाजपा नेता हैं और जनता में भी, क्योंकि वो वर्ड बहुत जल्दी आजकल वायरल हो जाता है, तो जनताओं में भी वो वर्ड बहुत जल्दी फैल गया था। अब इस वर्ड को काउंटर बैक करना था। और आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो अभी रूस गए और वहाँ पर जा कर के, और फिर उन्होंने जिस तरीके से कई सारी क्लिपिंग्स उनकी वायरल हुई, तो उसमें एक ये भी था कि टेलीप्रॉम्प्टर के बिना वो बोल नहीं पाते हैं, हमेशा से सब जानते हैं। तो उस क्लिप को लेकर के काफ़ी वायरल किया गया और वहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने भाषण दिया उस पर भी लोगों ने आपत्ति जताई थी कि कहीं ना कहीं भारत का जो है एक दर्जा जो है उसको थोड़ा सा घटाया है उन्होंने। जिस तरीके की बातें उन्होंने कही कि 2014 से पहले ऐसा था, वैसा था, हम ऐसे थे, वैसे थे, तो बहुत सारी निराशाजनक बातें जो थी वो उस पटल पर जाकर कहना वाकई में भारत के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक प्रधानमंत्री को इस तरह की भाषा कैसे उन्होंने बोली, अब ये एक अलग विषय है। लेकिन फिलहाल अपने विषय पर वापस आते हैं। और वहाँ जिस तरीके से वो क्लिपिंग्स वायरल हो रही है, अब कांग्रेस ने उसे ट्रेंड कराया है और ये कहा है कि ये बैल बुद्धि है। तो दोस्तों अब चल रहा है एक ऐसा ट्रेंड कि बालक बुद्धि वर्सेस बैल बुद्धि, अब इस पर बात हो रही है। मानना पड़ेगा आपको कि 10 साल से जिस तरीके से भाजपा आईटी सेल ने काम किया, जिस तरीके के फंड्स हैं दोस्तों उनके पास, जिस तरीके के आईटी सेल काम करता है और जिस तरीके से उनकी रीच है, वो आज भी नंबर वन है। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी मानना पड़ेगा कि पिछले चुनावों में जिस तरीके से आप पार्टी और कांग्रेस पार्टी के आईटी सेल ने मजबूती से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, बराबर उन चीज़ों को काउंटर बैक किया है, बराबर उन चीज़ों को जवाब दिया है जो कि भाजपा की तरफ से आती थी, फिर चाहे वो वीडियो एड्स हों, फिर चाहे वो कैंपेन्स हो, जो चुनावी कैंपेन्स होते हैं वो हों, उनके जवाब हों, या फिर भाजपा जिस तरीके से वही इंदिरा गांधी, वही नेहरू और वो वाली बातें लेकर के आ रहे थे, तो इधर कांग्रेस और आप जो थी वो मौजूदा मुद्दे, मौजूदा परेशानियाँ, मौजूदा जनता से जुड़े हुए मुद्दे लेकर के और सवाल पूछ रहे थे और उनको चुनावी मुद्दा बनाए हुए थे। तो जाहिर सी बात है कि जनता पीछे जाने की बजाय जो हो चुका उसकी बजाय आज क्या हो रहा है और अब हमको क्या मिलने वाला है, अब हमारी समस्या का समाधान कैसे होगा, ये जानने में ज़्यादा विश्वास रखती है। बहुत प्रैक्टिकल होकर के जनता ने ये सारी चीज़ें समझी सुनी और जिस तरीके का चुनाव में मैंडेट आया है वो भी आपके सामने है कि किस तरीके से जनता ने उस चीज़ को लिया और कैसे उन्होंने अपने मुद्दों को समझा और कैसे ये समझा कि हमें किन चीज़ों पर वोट करना है, हमें किन मुद्दों पर हमें अपना जो है मत का प्रयोग करना है। तो दोस्तों ये हो गया आईटी सेल टू आईटी सेल का एक झगड़ा। हालांकि मैं फिर कह रही हूं कि भाजपा का जो आईटी सेल है उसका मुकाबला आज भी कांग्रेस और आप नहीं कर पाई हैं, लेकिन एक बेहतर उपस्थिति जरूर दर्ज की। सबसे पहले मैं ये भी आपको बता देती हूं कि प्रधानमंत्री के लिए बैल बुद्धि जैसा शब्द उपयोग करना, मैं इसकी निंदा करती हूँ, मैं इसके समर्थन में बिल्कुल भी नहीं हूँ। लेकिन दोस्तों फिर पता है क्या होता है कि अगर एक पक्ष, प्रधानमंत्री स्वयं, देश का प्रधानमंत्री स्वयं नेता प्रतिपक्ष के लिए अगर भाषा की मर्यादाएं लांघे तो फिर दूसरे पक्ष की तरफ से भी जवाब आना बनता है। अगर आज मैं इस प्लेटफॉर्म पर अगर जनता के लिए कुछ भी कहती हूँ तो मेरे कमेंट बॉक्स में देखिएगा कि आप किस तरीके से काउंटर बैक किया जाता है। एक जिम्मेदारी होती है, एक जवाबदेही होती है जो हमारी बनती है। हम तो तब भी कुछ नहीं कहते जब हम सही बोल रहे होते हैं, बावजूद इसके जो है कमेंट सेक्शन में लोग कई तरह की बातें लिख देते हैं, कई तरह की नेगेटिव। हम मानते हैं कि शायद हम चीज़ें उतनी अच्छी तरीके से नहीं समझा पाए हैं, कोई बात नहीं, हमारा काम है, हम रेगुलर समझाएंगे, आगे समझाएंगे, कभी ना कभी जनता को समझ आएगी। वैसे इस बार के चुनावों से काफ़ी कुछ मुझे जनता से उम्मीद बंधी है, इसलिए नहीं कि कौन जीता कौन हारा, इसलिए कि इस बार जनता ने मुद्दों पर वोट किया, अपनी प्रॉब्लम समझी है और सरकार की जवाबदेही तय की है। इस वजह से फिर से आते हैं मुद्दे पर। अब चल रहा यह है कि बालक बुद्धि वर्सेस बैल बुद्धि में, आप जानते हैं दोस्तों ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के पिछले 10 सालों की अगर बात की जाए तो ऐसे कई सारे बयान वायरल हैं, ऐसे कई सारे वीडियोस उनके वायरल हो जाते हैं, फिर चाहे वो नाले से गैस बनाने की हो, फिर चाहे वो ख़राब मौसम में रडार ना पकड़ने की हो, फिर चाहे वो मैथ्स का कोई उल्टा सीधा कोई फॉर्मूला हो, या फिर टेलीप्रॉम्प्टर के बिना बोल ना पाने की हो, अनगिनत चीज़ें हैं, अनगिनत चीज़ें।
तो दोस्तों ये सारी चीज़ें लेकर के अब उन्हें जो है थोड़ा सा कम अक्ल कह सकते हैं, शायद बैल बुद्धि से मतलब यही होगा। और राहुल गांधी को जिस तरीके से पप्पू साबित करने की कोशिश की गई थी बालक बुद्धि, तो उनके कई बार जो भाषण होते थे, जो भाषणों से छोटे छोटे क्लिप्स लेकर के उनको आधा अधूरा चला करके, उनको तोड़ मरोड़ के, उनको एडिट करके जिस तरीके से चलाया गया और जिस तरीके से एक एक पूरा नैरेटिव चला दिया गया कि राहुल गांधी जो हैं वो कम अक्ल हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आता, वो कुछ भी बोलते हैं, तो इस तरीके के लोगों में एक छवि जो है वो उनकी बना दी गई थी। हालांकि राहुल गांधी अपने आप में जब आज भाषण देते हैं तो उनका भाषण सुन करके जनता समझ जाती है कि मुद्दों की बात है इसमें और कहीं ना कहीं जनता से जुड़ी हुई बातें होती है उसमें। और उनका जो पूरा एक शुरू से लेकर अभी तक जिस राजनीतिक माहौल में वो पले बढ़े और आज जनता के बीच में है, तो जनता को अब ये चीज़ें समझ में आती हैं कि उनको गहरी समझ है और वो पढ़े लिखे भी ज़्यादा हैं, अगर देखा जाए तो पढ़े लिखे भी ज़्यादा हैं। तो जो कंपैरिजन है वो हर लेवल पे अब हो रहा है, फिर वो चाहे आईटी सेल का कंपैरिजन हो, फिर चाहे वो पढ़ाई का कंपैरिजन हो, फिर चाहे वो जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर बात करने का कंपैरिजन हो, फिर चाहे वो घोषणा पत्र का हो, फिर चाहे जो स्पीचेस राहुल गांधी दे रहे हैं और जो प्रधानमंत्री मोदी दे रहे हैं, कौन टेलीप्रॉम्प्टर कौन बिना टेलीप्रॉम्प्टर, ये सारी चीज़ें भी अब जो है वो कंपेयर की जा रही हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, बालक बुद्धि वर्सेस बैल बुद्धि का जो ये ट्रेंड चल रहा है इसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि इस तरह के शब्दों से किसी अहम महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों को संबोधित किया जाना चाहिए और ये कितना सही है? नहीं है सही तो, हालांकि मैं अपने उसमें बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि सही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर बात वही है कि भाषा की मर्यादा अगर एक तरफ से लांघी जाएगी तो दूसरी तरफ से उसका जवाब आ सकता है। क्या कहना है आपका, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए और जाते जाते चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते जाइए। तो दोस्तों खास मुद्दे की बात और उन लोगों के काम की बात जो बनना चाहते हैं सोशल मीडिया यानी यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर एक बड़ा इन्फ्लुएंसर और महीने के हजारों लाखों कमाना चाहते हैं, तो आपके लिए बेबाक राजस्थान एसके क्रिएटर्स के साथ में लेकर वो चीज आए हैं, यानी कि मास्टर क्लास कोर्स लेकर आए हैं जो आपको बनाएगा इंस्टाग्राम और यूट्यूब का बादशाह। आप यूट्यूब के चैनल पर जीरो से लाखों सब्सक्राइबर और इंस्टाग्राम पर भी जीरो से लाखों फॉलोअर्स कैसे बनाने हैं, कैसे बनेंगे, यूट्यूब चैनल बनाने से लेकर लाखों सब्सक्राइबर गेन करने तक हर छोटी से छोटी जानकारी इस मास्टर क्लास के अंदर आपको सिखाई जाएगी, सब कुछ सिखाएंगे। दो महीने की ये मास्टर क्लास है, हर हफ्ते 5 क्लास होंगी, आप बन सकते हैं जीरो से हीरो। हर वो टेक्निकल नॉलेज जिसके बूते पर आप अपना चैनल ग्रो कर सकते हैं और लाखों कमा सकते हैं, तो देर किस बात की, नीचे लिखे नंबर पर कॉन्टेक्ट करो और अपनी सीट बुक करवा लो, क्योंकि बहुत सीमित सीटें हैं। बाकी फीस कितनी है, आपको और क्या क्या जरूरी जानकारी चाहिए, वो सब कुछ आप इस नंबर पर पूछ सकते हो। आरएनटी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, यहां आपको मिलता है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, वेल इक्विप्ड साइंस लेबोरेटरीज, एग्रीकल्चर की यूनिक सीड लैब भी, डिजिटल लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब विद एआई टेक्नोलॉजी, डिजिटल बोर्ड सभी छात्रों के लिए, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए पॉडकास्ट रूम भी अवेलेबल है। चित्तौड़गढ़ जिले और एमएलएसयू उदयपुर का एकमात्र एक्रीडेटेड कॉलेज। कोर्सेज हैं जिनमें बीसीए, बीकॉम, बीएससी, बायो, मैथ्स, एग्रीकल्चर, बीए, बीएड, बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीएसटीसी, एमए, एमएससी, एमकॉम। बड़े और खुले ग्राउंड स्पोर्ट्स के लिए, जहां होती है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, ट्रेनिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्टूडेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी भी, एनसीसी एक्टिविटीज ताकि एनसीसी कैडेट के रूप में आप भविष्य संवार सके, देश की सेवा कर सके। ये विजन है आरएनटी एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरपर्सन डॉक्टर वसीम खान का, तो आज ही ज्वाइन करें आरएनटी एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।